हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा है तो उसका मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि माना जाता है अगर मालिश बच्चे की होगी तो बच्चे का ग्रोथ जो है वो बेहतर होगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मालिश से ही हमारा बच्चा जो है वो तंदुरुस्त होता है, हिष्ट पुष्ट होता है। तो आप थोड़ा कम खिलाएं लेकिन मालिश भरपूर करें, क्योंकि मालिश जो है उसको कवर कर लेगा ना। मालिश बच्चे का एक डाइट है। अगर टाइमली बच्चे की मालिश ना किया जाए तो बच्चा उसके लिए भी रोता है, ना ठीक से सोता है, ना मतलब कुछ भी नहीं, ना खेलता है, बस वो रोता है। और मालिश कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बच्चा सोने लगता है और मतलब कि एकदम आरामदायक नींद भी लेता है और बच्चा धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। कहा जाता है कि आधा दूध और आधी मालिश। तो फ्रेंड्स, मालिश बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मालिश करने का सही तरीका क्या है, पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का, और मालिश कैसे करते हैं और दिन भर में कितनी बार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। ये देखिए, ये बेटा है मेरा, इसकी मालिश मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये आप तेल लीजिए, तेल को पीठ पे यहाँ लगाना है। अगर मैं तेल की बात कर लूँ कि किस तेल से मालिश करनी है फ्रेंड्स, तो ये जो तेल है ये सरसों का तेल है, सरसों का शुद्ध बैल कोल्हू का तेल है, जो कि मैंने इसको अजवाइन डाल के बनाया है। अजवाइन डाला है, अजवाइन डाल के पूरा बहुत अच्छे से खौला लिया है। खौलाने का मतलब कि उबाल आ गया है। उसके बाद उसको ठंडा करके एक डिब्बे में डाला है। उसके बाद उसमें नूरानी का तेल और थोड़ा सा विक्स मैंने डाला है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा ज़रूर करें, ये तेल बनाएं। और सर्दियों के सीज़न में अगर सर्दी चल रहा है तो आप इसी तेल से मालिश करें, या फिर बरसात है तो भी आप इसी तेल से मालिश करें। मतलब जब भी आपको लगे कि बहुत ठंडा सीज़न है तो आप इसी तेल से मालिश करें। हाँ, अगर गर्मी का महीना है, गर्म है, तो फिर आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि बादाम का तेल या फिर नॉर्मल जॉनसन्स बेबी तेल, कुछ भी आप यूज करिए, लेकिन सर्दियों के सीज़न में यही तेल। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पीठ पर लगा दिया। ये लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से ऐसे चारों तरफ तेल को मिलाना है। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये बच्चे की जो बीच वाली ये हड्डी होती है, इसको मजबूत बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा बच्चा अच्छे से बैठ सकता है, इसी हड्डी से अच्छे से बैठ सकता है और मतलब मजबूती के साथ कोई भी चीज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको क्या करना है कि यूँ ऐसे उठा के ऐसे 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 बीच से उठाना है, ऐसे लेके आना है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से यूं। ये बीच वाली हड्डी ही है। अगर आप दोनों हाथ से करना चाहें तो दोनों हाथ से आप ऐसे करिए। ये देखिए, ये आपको 8 से 10 बार बच्चे की मालिश में ज़रूर करना है। और फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है कि ऐसे ये 8 से 10 बार ये करिए। ये करने से क्या होगा, बच्चे का जो भी थकान है, जो सोते समय बच्चा हमारा थक जाता है, वो सारा थकान दूर होगा। ये देखिए मैं कर रही हूँ, 8 से 10 बार आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये बच्चे का जो कमर है ना, क्योंकि कमर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कमर को क्या करना है कि थोड़ा सा तेल लगा के पहले कमर की मालिश बहुत अच्छे तरीके से करनी है, 8 से 10 बार करनी है। आप तेल को यहाँ थोड़ा सा सुखाने की कोशिश करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये देखिए मैं कर रही हूँ, बेटा। और सेम आपको फिर यहाँ पे भी ऐसे ही थोड़ा तेल सुखाने की ज़रूरत है। ये देखिए, और इसी से जुड़ा हुआ ये एरिया होता है, ये इसको हम लोग डखुरा बोलते हैं, आप वो एरिया जो है इसको आपको यूँ मालिश करना है ऐसे। बेटा ये ले लीजिए, आप इनको ले लीजिए, अपने मिस्टर बॉय को ले लीजिए, ये लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे करना है यहाँ से। क्या बेटा, क्या क्या चाहिए आपको, आप बता दीजिए। ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये लीजिए, ये लीजिए। आपका डक मंगवा दे क्या, डक मंगवा दे, ये लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको यूँ करना है। ये अगर आप ऐसे करेंगे तो पीठ की मालिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गई पीठ की मालिश कंप्लीट। क्या हो गया मेरे बेटे को भाई, क्या हो गया, क्या हो गया विहान पंडित को? ये देखिए पीठ की मालिश इनकी कंप्लीट हो गई।
ये देखिए ये मालिश नहीं करवाना चाह रहे हैं इसीलिए ये रो रहे हैं। अभी देखिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ध्यान से इनको देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी से जुटा हुआ, जैसे कि आपने ये सीधा हड्डी वाली मालिश कर ली, फिर आपने ये मालिश कर ली, उसके बाद आपने कमर की मालिश कर ली, और सेम इससे जुड़ा हुआ ये हाथ है तो आपने इसकी मालिश कर ली 8 से 10 बार। इसके आगे आपको क्या करना है कि अब इससे जुड़ा हुआ ये पैर है, पैर की भी मालिश आपको करना है, क्योंकि आपका बच्चा नन्हे नन्हे पैरों से तभी चलेगा जब पैर मजबूत होगा। तो ये अब पैर का यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप बहुत अच्छे से तेल लगाइए, और लगाने के बाद ये यहाँ पे ज़रूर घिसिए तेल। अब ये आप पहले ऐसे मालिश करिए, ये देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ऐसे ही बहुत अच्छे से मजबूती के साथ 8 से 10 बार करिए। और ये करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये जो एक हाथ है आपका ये नीचे ज़रूर होना चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गई इनकी मालिश। उसके बाद आपको यूँ करनी है 8 से 10 बार, और ये जो ये पोर्शन है इसको तो करना ही करना है जो ज्वाइंट है, ये देखिए ये हो गई इनकी मालिश। सेम आपको दूसरा पैर भी कर लेना है, ये देखिए मैं कर रही हूँ। आठ से दस बार आपको ऐसे करना है, उसके बाद फिर आपको यूँ करना है, और जो ये वाला पोर्शन है ज्वाइंट वाला ये आपको करना है 8 से 10 बार। मतलब जो भी करना है आप मान के चलिए या तो 8 या तो 10 बार, मतलब 10 बार आप करिए ही करिए। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है कि हाथ जो है दोनों पैरों को पकड़ना है, एक हाथ नीचे से लगा के थोड़ा सा तेल लेना है, फिर दोनों पैरों को साथ में मालिश करना है। क्योंकि क्या होता है अगर बच्चे का दोनों पैर जो है वो साथ में मालिश ना किया जाए और ऐसे पकड़ के ना किया जाए तो बच्चे को नौकनी की समस्या हो सकती है। हमारा बच्चा जब भी फौज या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है तो अगर ये पैर ना ये पैर अगर सटने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बच्चा IPS बने या फिर कुछ भी पुलिस डिपार्टमेंट या फौज या जो भी है CRPF में जाए, तो आप ये ध्यान दें कि मालिश बहुत बेहतर तरीके से करें और ये ऐसे करके तब करें, ये देखिए ताकि बच्चे को नौकनी की समस्या ना हो। ये हो गई इनकी मालिश फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे को पलट के इनके पैर की मालिश कैसे करनी है, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए अब मैं इनको पलट रही हूँ, अब इनके पैर की मालिश होगी बेटा। अरे अरे ये तो पूरा एकदम मस्त है, गुड। अब ये इनके पैर की मालिश होगी फ्रेंड्स, पैर की आगे से पेट की, ये देखिए ये पेट की मालिश हो रही है। ये पहले आप तेल सीने पे लगाइए, ये देखिए मैंने सीने पे तेल लगा दिया है, और सीने पे तेल लगाने के बाद थोड़ा सा अंडर आर्म्स के पास यहाँ पे, यहाँ इस अंडर आर्म्स के पास, उसके बाद फ्रेंड्स आपको तेल को बहुत अच्छे से मिक्सअप करना है, ये देखिए मैं कर रही हूँ, और आपको पेट के एरिया पे नाभि के पास में बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से ऐसे मालिश करना है ताकि बच्चे के पेट में कोई गैस वैस हो तो निकल जाए। ये देखिए आप अच्छे से करना है। फिर आपको क्या करना है कि सीने का एरिया जो है उसको मालिश करना है, और आप उसको यूँ मालिश करिए, यहाँ से लीजिए और ऐसे, क्या बेटा, यहाँ से फिर हाथों को पकड़ते हुए सीधा बिल्कुल, ताकि बच्चे का जो हाथ है वो मजबूत हो और सीधा हो। बेटा विहान, ये देखिए यूँ, ये ऐसे ही आपको 8 से 10 बार मालिश करनी है, ये ऐसे ही। फिर लास्टली आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेकर के बच्चे की हथेली, ये यहाँ पे हथेली पे ज़रूर मालिश करें 8 से 10 बार, और उसके बाद आपको यूँ हाथों को ऐसे, ये 8 से 10 बार आप यहाँ से यहाँ तक बहुत मजबूती के साथ मालिश करें, उसके बाद आप ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि तेल मिक्स हो जाएगा और बच्चे का जो थकान है वो दूर हो जाएगा। आपके यहाँ गांव में अगर बच्चे को बुकवा लगाया जाता होगा सरसों पीस के, तो भी ऐसे ही लगाया जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये हो गया इनके पेट की मालिश, उसके बाद ये मैंने ये तालू पे मैंने तेल लगा दिया, ये देखिए दोनों पैर का तालू है, तालू पे तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी
फिर ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से घिस दिया। और घिसने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से यूँ आपको करते रहना है ताकि बच्चे को फ्लैट फुट की समस्या ना हो। ये थोड़ा गहरा होना एकदम ज़रूरी है। ये देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। सेम दूसरे पैर में भी मालिश करना है। मालिश करने के बाद ये फ्लैट फुट वाली जो समस्या है इसको दूर करना है। ये देखिए तो ये हो गया इनके पेट की, हाथ की और पीठ की, पैर की मालिश। फ्रेंड्स अब आई चेहरे की बात। और आपको मालिश करते समय ये सारी चीज़ें जो है मजबूती के साथ, ये देखिए ऐसे करते रहना। ये देखिए तभी हमारा बच्चा नन्हे नन्हे पैरों से अच्छे से चल पाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद आई फेस की बारी। अब फेस के लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिए आप लोग। बेटा बेटा जी आपको थोड़ा सा तेल बच्चे के गर्दन के एरिया में भी लगाना है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो कहीं ना कहीं दूध जाता है और बच्चे को वहाँ कटने लगता है, या फिर मतलब ठंडी का सीज़न चल रहा है तो बच्चा स्वेटर पहन रहा है तो उसके भी रेसेस हैं, बच्चे को कट रहा होगा। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा तेल लगाना है आपको। अब आपको फेस के लिए क्या करना है ये देखिए आप लोग। बेटा क्या हो गया? अरे 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 नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। अरे बस 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 बस। फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है कि ये फेस पे बिल्कुल तेल को यूं अप्लाई करना है बहुत अच्छी तरीके से, और ऐसे ही आपको कानों के पास भी लाना है। अब आपको थोड़ा सा फेस बच्चे का बनाना पड़ता है अगर बच्चा छोटा है तो, क्योंकि छोटे बच्चे का फेस आप जैसे, बेटा आप जिस आकार में ढालेंगे उसी आकार में बच्चे का जो चेहरा है, नाक कान मुंह, वो पड़ जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा होने के बाद आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सही कैसे करना मैं आपको बताऊंगी। बेटा फेस की बारी है, चुप रहो। ये देखिए आपने तेल लगा दिया चारों तरफ। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना ऐसे, ये नाक बनाने का तरीका है फ्रेंड्स। ये देखिए क्या हो गया, ये नाक बनाने का तरीका है। फिर बच्चा दूध पीता है तो ये होठ उसके उठ जाते हैं, ये होठ बनाने का तरीका है फ्रेंड्स। और सेम ही ये अगर बच्चे का निकला हुआ है तो ये ऐसे, और कान कान को आप ऐसे बनाइए। रुक जा बेटा दिखा दूं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स ये हाथ हाथ मेरा हटा रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये कान ऐसे, फिर उसके बाद आप ऐसे बनाने के बाद ऐसे पीछे की तरफ कर दें। सेम ये दूसरा कान, और फिर ये पीछे की तरफ आप ऐसे कर दें। ये हो गई विहान की मालिश। अब मैं इनके सर पे थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। ये देखिए ये पूरी बॉडी की कंप्लीट मालिश है। ये देखिए इनके सर पे तेल लग गया फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेटा जी सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा बच्चे का एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बच्चे का ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज कैसे करानी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मालिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि बच्चे का ऐसे, बाबू चाक की चकुराई, बाबू कोल्हू के मोटाई, बाबू हनुमान के बल पाई, बाबू खूब बड़ा हो जाए, बाबू खूब बड़ा हो जाए। मेरा बेटा बाबू चाक की चकुराई, बाबू कोल्हू के मोटाई, बाबू हनुमान के बल पाई, बाबू खूब बड़ा हो जाए, खूब बड़ा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स ये इनका एक्सरसाइज हो गया, ताकि जो बच्चा है वो मजबूत रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम बड़े लोग जिम जाते हैं या घर पे एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो बच्चे को भी तो चाहिए ना। तो जब भी आप मालिश करें थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर कराएं बच्चे का। उसके बाद आप यूँ, ये यूँ, इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा। अब देखिए मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, ये देखिए। वियान एक बार फ्रेंड्स को दिखाओ। ये इतना बड़ा हो गया, ये देखिए, ये देखिए इनकी बदमाशी देखिए आप लोग। तो आपको फ्रेंड्स ऐसे ही अपने बच्चे की मालिश करनी। मैंने पूरी बॉडी की मालिश करके आपको दिखाया कि मालिश कैसे करनी, चाहे वो नवजात शिशु हो या फिर थोड़ा बड़ा बच्चा हो। और मालिश आपको दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार मालिश करनी है, जिसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो फ्रेंड्स जितना आप बच्चे की मालिश करेंगे आपके बच्चे का ग्रोथ उतना ही बेहतर होगा।
और तेल जो है जिस तेल से आप मालिश करें उसका चुनाव अच्छे से करें। गर्मी का सीज़न है तो आप कोई भी तेल लगाएं, जैसे कि जॉनसन्स बेबी तेल हो गया या फिर मतलब जो भी हिमालय का तेल हो गया, लेकिन सर्दियों के सीज़न में आप जैतून का तेल लगाइए, बादाम का तेल लगाइए या फिर ये सरसों का तेल जो उबाल के बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।